कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर में भारी कश्मकश के दाद भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविंद अंततः चुनाव जीत गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा को पराजित कर दिया। अरुण गोविल की जीत और सुनीता वर्मा की हार के राजनीतिक दृष्टि से कई मायने हैं और साथ ही कई संदेश भी हैं। यूपी में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती बनेगा, यह बात भी तय है। देश का यूपी वह प्रदेश है जिससे होकर ही कोई दल देश की केंद्र सरकार तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 62 सीट जीती थी, जबकि इस बार इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त ब्रेक उनकी इस गति पर लगा दिया है। प्रदेश के तमाम आला पदाधिकारी यूपी में 80 की 80 सीट का जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन यह दावे जमीनी हकीकत से दूर रहे। वहीं एग्जिट पोल ने भी साबित कर दिया है कि यह सिर्फ प्रायोजित गेम का हिस्सा थे, इससे तक कुछ भी नहीं। वहीं अखिलेश यादव का केवल वाराणसी में कांटे की टक्कर बता रहे थे, जबकि बाकी जीती हुई है। अब बात करते हैं हर राउंड में कांटे की टक्कर देने वाली सुनीता वर्मा की। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर हमेशा से पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के बीच लंबी खींचतान समाजवादी पार्टी में रही है। यहां से पार्टी ने अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनका भारी प्रत्याशी बताते हुए विरोध शुरू हो गया। सरधना विधायक अतुल प्रधान में योगेश वर्मा में टिकट पाने की खींचतान हुई और अतुल टिकट पाने में लगभग कामयाब भी हो गए। इसके 4 दिन बाद ही भारी मशक्कत के बाद योगेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता वर्मा का टिकट कराने में सफल हो गए और अतुल का टिकट तब काट दिया गया जबकि वह अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके थे। इसके 4 दिन बाद ही मशक्कत के बाद योगेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता वर्मा का टिकट कराने में सफल हो गए, अतुल का टिकट काट दिया गया जबकि वह अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके थे। यह सारा खेल आपसी गुटबाजी के चलते हुआ और सतह तौर पर अखिलेश यादव के सामने सभी एक हो गए, लेकिन भीतर ही भीतर नफरत की राजनीति की आग भड़कती रही। यूपी दौरे के दौरान अखिलेश यादव से जब फर्स्ट बाइट ने सवाल किया इन टिकटों के फेरबदल पर, तो उनका कहना था कि कई बार जीत के समीकरण देखते हुए टिकट बदलना पड़ता है और कई बार इसे जरूरी भी हो जाता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जहां तक बात सुनीता वर्मा की रही तो दलित होने के कारण उनका दलित वोटों में खासा असर है, जबकि समाजवादी पार्टी से टिकट होने के कारण मुस्लिम वोटों का रुझान भी उनकी तरफ इस चुनाव में साफ नजर आया। मुस्लिमों का भी सीधा यह मत नजर आया कि जो भी प्रत्याशी भाजपा को हरा सकता है उसी को वह वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से देवव्रत त्यागी को चुनाव मैदान में उतारा था। सुनीता वर्मा के वोट काटने के लिए अंतिम समय में यहां के मुस्लिम नेता रहे याकूब कुरैशी को प्रचार में उतारा गया। याकूब ने योगेश वर्मा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन मतदाता बराबर यह कहकर सुने गए कि याकूब कुरैशी भाजपा सरकार की तरफ से बनाए गए दबाव के कारण ही देवव्रत त्यागी का समर्थन कर रहे हैं। अब सच क्या है यह तो पब्लिक ही जाने। उम्मीद लगाई जा रही थी कि देवव्रत त्यागी जितने भी वोट उनको मिलेगी वह भाजपा को नुकसान ही करेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि उन्हें त्यागी समाज की भी उतनी वोट नहीं मिल पाए जितना उनको भी अनुमान था। अलबत्ता दलितों का कुछ वोट जरूर अरुण गोविल अपने खाते में डालने में सफल रहे। भगवतपुरा में दलित के घर पर खाना भी उनके लिए मुफीद साबित हुआ। एक बात यह भी विशेष रही कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर पहले ही राउंड से भाजपा के अरुण गोविल वे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा के बीच कांटे की टक्कर चलती रही। कभी किसी को मत अधिक मिले तो कभी किसी को कम, कई राउंड में अरुण बढ़त बनाए नजर आए तो कई में सुनीता वर्मा। 18वें राउंड में सुनीता वर्मा जहां 6000 से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन कुछ ही पल बाद अरुण गोविंद 11000 वोटों से आगे निकल गए। यह दोपहर करीब 3 बजे के आसपास का समय था। देवव्रत त्यागी का खाता 101 वोटों से शुरू हुआ और वे 18वें राउंड तक करीब 70,000 वोट प्राप्त कर चुके थे, जबकि अरुण गोविल 4,77,000 और सुनीता वर्मा 4,65,000 वोट पा चुके थे। 21वें राउंड में अरुण 13,000 से ज्यादा वोटों से
आगे निकल चुके थे। 22वें राउंड में अरुण गोविल सुनीता से 22,000 वोटों से आगे हो गए। 20वें राउंड से ही जारी बढ़त उनकी अंत तक जारी रही और अंत में अरुण गोविल विजय घोषित कर दिए गए। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन। नमस्कार।